प्रिय छात्रों, अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में हम लोग हार्नबिल टेक्स्ट बुक का थर्ड लेसन डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यू, उसका थर्ड पार्ट पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है, दो पार्ट में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, तीसरा पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, इसका हमें अध्ययन करना है। हम देखेंगे थोड़ा सा पीछे से देखेंगे जहाँ तक पढ़ाया था, थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे। ये लेसन जो है टुट जो शासक था मिस्र का बहुत प्राचीन सभ्यता में, जब हमारे देश में सिंध घाटी की सभ्यता फैली हुई थी तब वहाँ पर मिस्र में बहुत अच्छी सभ्यता फैली हुई थी और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए थे, उसमें एक टुट शासक हुआ था, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए ये लेसन लिखा गया है। और उसमें देखेंगे कैसे उसकी मम्मी को जो है वहाँ से खुदाई करके उसको जो है मम्मी का अध्ययन किया गया था। तो वही तीसरा पार्ट देखेंगे, तो इसमें हम इतिहास देख रहे हैं कि मिस्र का इतिहास क्या था, तो देखेंगे। अमेनहोटेप थर्ड टुट्स फादर आर ग्रैंड फादर वाज ए पावरफुल फैरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज। अमेनहोटेप थर्ड टुट्स फादर आर ग्रैंड फादर, जो टुट शासक था जिसकी मेन मम्मी मिली हुई है वहाँ पर, जहाँ पर मम्मी हैं मिस्र में, मम्मी प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मम्मी पाई गई हैं। मम्मी मतलब डेड बॉडी होती हैं जो कि मसाला लगा करके उसको सुरक्षित रखा जाता है उन कब्रों में। तो वहीं टुट की मम्मी जो पाई गई उसके फादर और दादा, ये जो मैंने होटेप थर्ड थे वो टुट के या तो फादर रहे होंगे या दादा रहे होंगे, या तो पिता रहे होंगे या तो दादा रहे होंगे। वाज ए पावरफुल फैरो, एक शक्तिशाली शासक थे। फैरो शासक होता है, रूलर होता है। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेड्स, जिन्होंने लगभग चार डिकेड्स तक शासन किया था। डिकेड्स माने अ पीरियड ऑफ 10 years इज डिकेड्स, ए पीरियड ऑफ 100 years सेंचुरी, ए पीरियड ऑफ 10 years डिकेड, 10 साल की समयावधि को डिकेड बोलते हैं। तो 4 decades होकर था लगभग 40 साल हो जाएंगे इसमें। तो उन्होंने अर्थात अमेनहोटेप ने जो टुट के या तो पिता रहे होंगे या दादा रहे होंगे, उन्होंने 40 साल तक लगभग जो है शासन किया था मिस्र पर, एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। और जो उनके वंश का जो है ये स्वर्ण युग था, और ये 18वें राजा थे, 18वें शासक थे। 18th माने 18वीं, अर्थात 17 शासक और हो चुके थे इनके वंश के, और थे 18वें शासक थे, और इनका जो शासन काल था ये उस समय स्वर्ण युग माना जाता था। इस प्रकार से अमेनहोटेप जो थे टुट के या तो पिता रहे होंगे या तो दादा रहे होंगे, जो उस युग में जो है जो गोल्डन युग कहा जाता है मिस्र के शासन व्यवस्था का जो है उसमें 18वें शासक थे, और लगभग 40 साल तक इन्होंने शासन किया था। ही सन अमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, उसके बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठा, अर्थात उनके उत्तराधिकारी हुआ कौन, अमेनहोटेप फोर्थ। अमेनहोटेप थर्ड के बाद अमेनहोटेप फोर्थ जो था वो उनका उत्तराधिकारी हुआ, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री, और उसने प्रारंभ किया एक मजबूत अवधि ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अनसीन्ट इजिप्ट, माने प्राचीन मिस्र के जो है प्राचीन मिस्र के एक नए और ताकतवर युग की शुरुआत किया। द न्यू फैरो प्रमोटेड द वारशिप ऑफ द अटेन, इसने नया फैरो जो शासक हुआ, जो दूसरा शासक अमेनहोटेप फोर्थ हुआ, वो जो है उसने नई परंपराओं को प्रमोट किया। द न्यू फैरो प्रमोटेड द वारशिप ऑफ द अटेन, इसने अटेन की पूजा को प्रारंभ किया, नई परंपरा डाली। द न्यू फैरो प्रमोटेड द वारशिप ऑफ द अटेन, अटेन की पूजा को प्रारंभ किया। द सन्स डिस्क, इसका मतलब सूर्य चक्र होता है, अर्थात सूर्य चक्र के रूप में सूर्य देवता की पूजा इसने प्रारंभ किया, किसने, अमेनहोटेप फोर्थ ने। चेंज ही नेम ऑफ अकहिंटन, उसने अपना नाम भी बदल दिया। अकहिंटन का अर्थ होता है आर सर्वेंट ऑफ द अटेन, अटेन का सेवक, अर्थात सूर्य चक्र का सेवक, सूर्य देवता का सेवक अपने नाम रख लिया। इतना सूर्य देवता से प्रेम करता था कि उसने अपना नाम बदल दिया और अपना नाम सूर्य देवता का सेवक रख लिया। देखिए, चेंज हिज नेम ऑफ अकहिंटन आर सर्वेंट ऑफ द अटेन, अटेन में सूर्य देवता होता है, इसका जो अपना से अपने को सेवक मान लिया।
एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अकहिंटन, और उसने अपनी राजधानी परिवर्तन भी किया। देखिए एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, जो धार्मिक राजधानी थी, क्या राजधानी थी, थेब्स थी, प्राचीन शहर की धार्मिक राजधानी थेब्स थी, इसने बदल करके जो है नई राजधानी स्थापित किया जिसका नाम अकहिंटन रखा, जो है नोन नाउ एज अमरना, जिसको हम आजकल जो है अमरना के नाम से जानते हैं। इसमें मिस्र में जो अमरना शहर है वही अकहिंटन था, और इसको राजधानी बनाया था किसने, अमिनहोटन फोर्थ ने, जो है फिर से देख लेंगे। तो एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स, थेब्स के प्राचीन शहर जो कि एक धार्मिक राजधानी हुआ करता था, उसके स्थान पर एक नया शहर अकहिंटन बसाया और उसको नई राजधानी बनाया, नोन नाउ एज अमरना, जिसको हम लोग आजकल अमरना के नाम से जानते हैं। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाई अटैकिंग अमन, और उसने आगे चल करके जो है देशवासियों को शॉक किया, बहुत आश्चर्यचकित रूप से दुख दिया, पीड़ित किया, कैसे, बाई अटैकिंग अमन, अमन पर आक्रमण करके। अमन वहाँ के मुख्य देवता हुआ करते थे पहले, इसने पुराने जो देवता माने जाते थे लोगों द्वारा पूजे जाते थे उन पर आक्रमण कर दिया, तो लोग बहुत शंकित हो गए इसके ऊपर, बहुत डर गए। देखिए ही फर्दर साग द कंटी, कंटी मान यहाँ से कंटी स्थापित कंटीमेन से है, उसने देशवासियों को ही साग दिस कंटीमेन बिकॉज ही अटैक द अमन द मेजर गॉड ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट के प्रमुख देवता थे अमन उस पर आक्रमण कर दिया, स्मैशिंग हिज इमेज से उनकी मूर्ति को तोड़ डाला, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स उसके उनके मंदिरों को बंद करवा दिया। तो इस प्रकार से जो ये नया शासक हुआ अमिनहोटप फोर्थ, जिसने अपना नाम जो है अकहिंटन रखा, पहली बार इसका अर्थ होता है कि सूर्य देवता पुजारी या सूर्य देवता सेवक हो गया, और ये जो पहले के देवता थे उनसे घृणा करता था, उन पर आक्रमण कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनकी मूर्ति तोड़ डाला और उनके मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिबल टाइम, ये बहुत भयंकर समय था, बहुत डरावना समय था मिस्र वालों के लिए, ये बहुत भयंकर समय था, सेड राय जॉनसन, जैसा कि राय जॉनसन कहते हैं ये बहुत भयंकर समय था, राय जॉनसन कहते हैं कि बहुत भयंकर समय था। राय जॉनसन कौन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट इन अनसीन थेब्स, जहाँ पर जो है प्राचीन थेब्स शहर हुआ करता था, वहाँ से लक्सर का केंद्र जो शिकागो विश्वविद्यालय था वहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे राय जॉनसन। उन्होंने कहा कि इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, इट वाज द फियरफुल टाइम फॉर द पीपल ऑफ द इजिप्ट, ये इजिप्ट के लोगों के लिए बहुत डरावना समय था, क्योंकि पुरानी परंपराएं बदल रहा था, उनकी भावनाओं के विरुद्ध पुरानी परंपराओं बदल रहा था, पुराने देवता बदल रहा था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, उन्होंने कहा क्योंकि व्यवस्था द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जो कई शताब्दियों से शासन कर रहा था, जो परिवार शासन शासक का परिवार या जो स्वाही परिवार जो है मिस्र में कई शताब्दियों से शासन कर रहा था, वॉज कमिंग टू एन एंड, उसका अंत हो रहा था, इसकी नीतियों से उसका जो है अंत हो रहा था। एंड देन अकहिंटन वेंट ए लिटिल वैकी, और तब जो है अकहिंटन एक प्रकार का सनकी बन गया था, इस प्रकार के परंपराएं शुरू करके देशवासियों को प्रताड़ित करके जो है ये एक प्रकार का सनकी बन गया था, पागल हो गया था, वह एक न सनकी या पागल कह लीजिए, मैड, बिकॉज ही बिगेन न्यू रूल्स न्यू गॉड्स न्यू कस्टम्स, इसने नई प्रथाएं शुरू किया, नई परंपराएं शुरू किया, देशवासियों की इच्छा का ध्यान नहीं किया, इसलिए इसको हम सनकी कहते हैं, अकहिंटन वेंट ए लिटिल वैकी, थोड़ा सनकी हो गया था। तो दूसरा शासक था, पहला शासक कौन था, अमिनहोटप था, दूसरा शासक था अमिनहोटप फोर्थ, जो कि अपना नाम अकहिंटन रख लिया था, ये दूसरा शासक था। अकहिंटन की मृत्यु के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इस्मेन खकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस। तो दूसरा जो शासक हुआ अमिनहोटप फोर्थ के बाद जो है इस्मेन खकरे हुआ, आफ्टर अकहिंटन डेथ, अकहिंटन की मृत्यु के बाद अ मिस्टीरियस एक रहस्यपूर्ण रूलर माने शासक नेम्ड इस्मेन खकरे, जिसका नाम इस्मेन खकरे था जो है, हुआ अपीयर्ड ब्रीफली,
थोड़े समय के लिए वो शासक रहा एंड एग्जिस्टेड में लुप्त प्राय हो गया अर्थात गायब हो गया विद हार्डली ए ट्रेस, जिसका कोई नामो निशान नहीं मिलता है, कोई ट्रेसमैन चिन्ह अर्थात उसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी इतिहासकार को नहीं है। जो तीसरा शासक हुआ इसमें खिकरे जो है ये थोड़े समय के लिए हुआ और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है, इसलिए उसको मिस्टीरियस रूलर बोलते हैं, रहस्यपूर्ण राजा बोलते शासक बोलते हैं। एंड देन और तब अ वेरी यंग टूटन खेतन टुक द थ्रोन, उसके बाद एक नई अवस्था में एक युवावस्था में टूटन खेतन ने जो है राजगद्दी प्राप्त किया, थ्रोन पर सिंहासन पर बैठा हो थ्रोन पर सिंहासन होता है टुक मन लिया अर्थात गद्दी पर बैठा। किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जैसा कि हम लोग आजकल उसको जो है टुट के नाम से जानते हैं, शार्ट में उसको टुट खेतन को जो है खेतन को हम टुट के नाम से जानते हैं। टुटन खेतन टुक द थ्रोन किंग टुट एज ही वाइडली नोन टुडे द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटन खामुन, उसने अपना नाम टुट खतेन से बदल करके टुटन खामुन रख लिया जो है, अपना नाम उसने चेंज किया सबसे पहले जिसका शॉर्ट में टुट बोलते हैं, टुटन खातिन पूरा नाम था उसका, उसने अपना नाम बदल टुटन खामुन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, क्योंकि उसमें अमुन टुटन खा अमुन अमुन जुड़ा हुआ, इसका अर्थ होता है लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमुन अमन का जीता जागती मूर्ति, क्योंकि ये अमुन का भक्त था जो है। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड एज, और पुरानी प्रथाओं को उसने पुनः रिस्टोर करने का प्रयास किया। जो ये चौथा शासक हुआ टुटन खेत खामुन, जिसका नाम टुटन खेतन था और उसने अमन देवता का भक्त था, उसने अमन देवता के नाम से अपना नाम बदल करके टुटन खामुन रख लिया, इसका अर्थ होता है कि अमन का जीती जागती मूर्ति, और इसने पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन किया। ही रेंड फार अबाउट 9 years, इसने लगभग 9 साल तक शासन किया। ही रेंड फार अबाउट 9 years, इसने 9 साल तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद जो है आकस्मिक रूप से उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हुई, इसने केवल 9 साल तक शासन किया। तो इसने परिवर्तन क्या किया था, देखिए इसने जो इससे पहले जो शासक हुए थे अमुन खकरे से जो पहले शासक हुए थे जिसका नाम अमेनहोटन थे, उसने जो है ये अमन देवता पर आक्रमण किया था, उनकी मूर्ति पूजा बंद करा दिया था और सूर्य चक्र पूजा करने लगे थे, लेकिन जो ये टुटन खेतन हुआ जो है इसने अपना नाम बदल करके टुटन खामुन रखा अर्थात अमन का भक्त था जो है, और पुरानी परंपरा इसने पूरा लागू किया अर्थात पुराने देवताओं को उसने रिस्टोर किया, उन्हें पुनर्जीवित किया, उन परंपराओं को पुनः शुरू किया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, उसकी प्रसिद्धि चाहे जो भी रही हो या उसका भाग्य चाहे जो भी रहा हो, जो भी अटकलें लगाया जाए, जो भी अनुमान लगाया जाए इसके बारे में, फिर भी जो है टूट इज वन ममी एमंग मैनी इन इजिप्ट, जो भी मिस्र में ममी प्राप्त हुई हैं उसमें टूट की ममी जो है एक महत्वपूर्ण ममी है। हाउ मैनी नो वन नोस, कितनी ममी प्राप्त हुई हैं मिस्र की खुदाई में या वहाँ की सभ्यता में कितनी ममी प्राप्त हुई हैं कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि अभी उनकी गणना जा रही है, खुदाई जा रही है, भी वो मिल रही हैं। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट, इजिप्टियन मिस्र के ममी प्रोजेक्ट जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर जो है उसमें ममी को ढूंढा जा रहा है, खुदाई की जा रही है, उनका अध्ययन किया जा रहा है, तो अभियान चल रहा है, उसमें कितनी ममी मिली है कोई नहीं जानता है। हिच बिगैन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003, और इसका जो है प्रारंभ हुआ था 2003 में, इनकी खोज प्रारंभ हुई थी ममी की, जो प्रोजेक्ट कार्यक्रम चला था इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट कार्यक्रम चल रहा है 2003 से, जहां पर ममी को ढूंढा जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है, उनका अध्ययन किया जा रहा है। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग, अब तक सो फार उन्हें अब तक होता है एज फार सो फार लगभग 600 ममी प्राप्त हो चुकी हैं, 600 ममी की गणना की जा सकी है अर्थात 600 ममी वहाँ पर प्राप्त हो चुकी हैं एंड स्टिल काउंटिंग, और अभी गणना जारी है, उनकी जो है सर्च जारी है, उनकी तलाश जारी है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन डिनोटेड बाई द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, और अगला चरण जो शुरू हुआ है वो ममीज को स्कैन करने का कार्य शुरू हुआ है, उनको अध्ययन करने का सारी स्कैनिंग मशीन में उनको अध्ययन करने का सारा
कार्य शुरू हुआ है विद पोर्टेबल सीटी, एक पोर्टेबल सीटी मशीन, सीटी मशीन से अर्थात सीटी स्कैन मशीन से जो है उनका सीटी स्कैन किया जा रहा है, डोनेटेड बाई द नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी। और इस सीटी मशीन को किसने डोनेट किया है, राष्ट्रीय भौगोलिक सोसाइटी ने उसको डोनेट किया है, उसको दान दिया है सर्च अध्ययन करने के लिए, एंड सीमेंस, और सीमेंस जो उसके अध्यक्ष हैं इस नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं सीमेंस, उन्होंने जो है इस सोसाइटी की ओर से उस सीटी मशीन को जो सीटी स्कैन मशीन को जो है दान दिया है ताकि वो ममी का अध्ययन किया सके। इट्स मैन्युफैक्चरर और सीमेंस ही इसके इस मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं, इसके निर्माणकर्ता हैं। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड, और राजा टुट की जो मम्मी है पहली मम्मी है जिसको स्कैन किया गया है, इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, क्योंकि देशवासियों के सामने सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है, इनकी जिंदगी में भी पहला नाम आता था, अर्थात इतिहासकारों के इतिहास में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, कौन, राजा टुट, शासक टुट जो हुए थे जिनका नाम टुट खेतन था, उनको साठ में टुट बोलते हैं, तो ये सबसे प्रसिद्ध हैं। देखिए, किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड, टुट की मम्मी पहली मम्मी है जिसको स्कैन किया गया है इन डेथ मैंने मृत्यु के बाद, एज इन लाइफ और जीवन में भी जो है मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों द्वारा जो है उनका नाम सबसे पहले आता है, अर्थात देशवासियों के मन में, उनके दिमाग में और उनके मेमोरी में सबसे पहला नाम टुट का आता है, अर्थात वो बहुत प्रसिद्ध शासक थे देशवासियों के बीच में, और उनके मृत्यु के बाद भी जो है उनकी मम्मी को सबसे पहले स्कैन किया गया है, सीटी स्कैन किया गया है। अ सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शंस, इस सीटी मशीन ने जो है मम्मी को सिर से पैर तक जो स्कैनिंग किया है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज और 1700 डिजिटल एक्सरे के फोटो लिए हैं इन क्रॉस सेक्शन माने क्रॉस सेक्शन में, टूर्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इंटिकेट स्ट्रक्चर, इनके इंटिकेट स्ट्रक्चर को, इनके जटिल स्ट्रक्चर को, ढांचे को अध्ययन करने के लिए, उनके सिर को अध्ययन करने के लिए इसके सिर को जो है 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में टुकड़े किए गए हैं उनको अध्ययन करने के लिए, टेक्स एन आरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, इनका अलौकिक विवरण और परिणाम प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया है, बिट टूट्स इंटायर बॉडी और टूट का पूरा शरीर, इंटरनल कंप्लीट होल, पूरा शरीर होल बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और पूरा शरीर भी उसी प्रकार से रिकॉर्ड किया गया है, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी विभाग की जो है फोरेंसिक और रेडियोलॉजी विभाग की एक स्पेशल टीम ने जो है उनका अध्ययन किया है, एंड एनाटॉमी बिगैन टू प्रोव द सीक्रेट दैट द विंगेड गॉडेज ऑफ द गिल्डेड बर्गल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, एंड देखिए इस प्रकार से एक रेडियोलॉजी विभाग की टीम ने, फोरेंसिक विभाग की स्पेशल टीम ने जो है उनका अध्ययन किया है, पूरी टिट की बॉडी का अध्ययन किया है, शासक टुट की बॉडी का अध्ययन किया है, एंड एनाटॉमी बिगैन टू प्रोब, और उनके एनाटॉमी जो है कि जांच पड़ताल में सीक्रेट्स माने जो रहस्य उनको खोला है, दैट द विंगेड गार्ड इज आ किल्टेड बर्गल स्टाइन प्रोटेक्टेड फॉर लॉन्ग, जिनकी रक्षा करती थी उस टिम स्टॉर्म में, उस जो है कब्र में जिनकी रक्षा कौन करती थी, सुनहरे मकबरे के पंखों वाली देवियाँ करती थी, गॉडेज ऑफ गिल्डेड बर्गल श्राइन, सुनहरे मकबरे के पंखों वाले देवियाँ उनका जो रक्षा करती थी, ऐसा लोगों को विश्वास था, मिस्र के लोगों का ऐसा विश्वास था कि उनकी कब्र की या मम्मी की जो है रक्षा कौन करती हैं, सुनहरे मकबरे की पंखों वाली देवियाँ करती थी, ऐसा लोग विश्वास था, उनकी उस मूर्ति को जो है स्पेशल रेडियोलॉजी विभाग ने, फोरेंसिक टीम ने जो है उनका अध्ययन करने के लिए जो है स्कैनिंग किया है या सीटी स्कैन किया है। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात को स्कैन होना था, वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, जो श्रमिक थे जो कार्य करने वाले थे, रात को स्कैनिंग किया गया उनकी मशीन की बॉडी का, मम्मी को जो रात को स्कैनिंग किया गया, द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम ऑफ इन हिज बॉक्स, उनके मकबरे से टूट के मम्मी को निकाल करके श्रमिक जो है बक्से में लेकर के आए, क्योंकि बक्से में रखा हुआ था, क्योंकि जैसा कि
वाकर ने जो है जो उसको मूर्त को तोड़ डाला था, उसको मसाले से निकाला था जो है, तो उसको बक्से में रखवा दिया था। तो बक्से से निकाल कर बक्से में रख करके जो है उस मकबरे से श्रमिक लेकर के स्कैन मशीन के पास आए। लाइक पाल बियरर्स, जैसे कि वो अर्थी ले जाने वाले हों। दे क्लाइम्ड रैम्प, वह एक रैम्प पर चढ़े, एंड फ्लाई टॉप स्टेयर्स, और सीढ़ियों की सहायता से इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड, माने उमड़ती हुई धूल में बाहर आए। देन रोज एन ए आन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, और उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहायता से जो है उस ट्रेलर के पास पहुँचे जहाँ पर स्कैनर लगा हुआ था, जहाँ पर सीटी स्कैन लगा हुआ था। 20 मिनट्स आफ लेटर, 20 मिनट बाद टू मिनी मर्चेंट, दो आदमी वहाँ से बाहर निकले। स्प्रिंटेड में भागते हुए, स्प्रिंट से बनता है, स्प्रिंट में भागना होता है, दौड़ना, स्प्रिंटर में धावक होता है, दौड़ने वाला स्प्रिंटर बोलते हैं। स्प्रिंटर में भागते हुए आए फार एन ऑफिस, एक निकट ऑफिस जो बनाया गया था वहाँ आए, नियर बाय निकट के, एंड रिटर्नड विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और उस ऑफिस से दो सफ़ेद कलर के जो है पंखे लेकर के लौटे। पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक के बने हुए सफ़ेद कलर पंखे लेकर के लौटे, वहाँ जल्दी से दौड़ करके आए। जब वहाँ मशीन में काम चल रहा था, स्कैनिंग हो रही थी, तो 20 मिनट लेट से 20 मिनट बाद जो है दो आदमी वहाँ से निकले, स्प्रिंटेड भागते भागते उस ऑफिस को गए, निकट गए ऑफिस के, एंड रिटर्नड विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और सफ़ेद कलर के प्लास्टिक फैन लेकर के जल्दी वापस लौटे। द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट, क्योंकि मिलियन डॉलर वाली स्कैनर जो सीटी स्कैन मशीन था वो रुक गई थी। क्यों उनको भाग करके आना पड़ा ऑफिस में जो है, क्योंकि मिलियन डॉलर जो मशीन, जो इतनी कीमती मशीन थी, स्कैनर मशीन थी, सीटी स्कैन मशीन थी, हैड क्विट, मैंने उसने काम करना बंद कर दिया था। बिकॉज ए सैंड ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि उसके कूलर फैन में सैंड जमा हुई हो गई थी, धूल जमा हुई, धूल के कण जमा हो गए थे, इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया था। कर्स ऑफ द फैरो जोग्ड ए गार्ड नर्वसली, उस समय जो है जो गार्ड था उसने जो है घबराहट में जो है डर करके एक मजाक किया था कि ये तो फैरो का जो है श्राप है, अर्थात उस शासक टुट का श्राप है कि मशीन रुक गई है, जो ममी है, अर्थात जो शासक नहीं चाहता है कि उसको उसकी ममी को सीटी स्कैन किया जाए, इसलिए उस समय के जो है गार्ड तो भी डर गया था और उसे मजाक में कहा था कि कहीं ये जो है शासक का श्राप तो नहीं कि मशीन रुक गई है। प्लीज सी द नेक्स्ट। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, परिणाम स्वरूप वास्तव में अंत में जो है जो वैकल्पिक रूप से पंखों की व्यवस्था किया गया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया टू फिनिश द प्रोसीजर, उस स्कैनिंग की प्रोसीजर को जो है समाप्त करने के लिए, अर्थात संपन्न करने के लिए। परिणाम स्वरूप जो है उस फैंस की सहायता से, उस विकल्प के रूप में जो फैन प्रयोग किए गए उनकी सहायता से जो है स्कैनिंग का कार्य, स्कैनिंग के प्रोसीजर संपन्न किया गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लास्ट द टेक्नीशियंस टर्नड टू ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम। आफ्टर चेकिंग, बाद में चेक किया गया दैट नो डाटा हैड बीन लास्ट, कोई डाटा खोया नहीं है, अर्थात सब डाटा सुरक्षित है। द टेक्नीशियंस, जो टेक्नीशियंस थे अर्थात मशीन जो चलाने वाले थे, टर्नड टू ओवर टू द वर्कमैन, उस ममी को जो है टूट की ममी को जो है श्रमिकों को वापस कर दिया कि लेकर जाइए। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, जिसको उसको और उस मम्मी को जो है टुटकी उस मकबरे को लेकर चले गए, अर्थात स्कैनिंग का कार्य पूरा हो गया, उसकी सीटी स्कैन हो गया। तब तो जो टेक्नीशियन से थे उन्होंने चेक किया कि पूरा द होल डाटा इज करेक्ट आर नॉट, पूरा डाटा सुरक्षित है कि नहीं। व्हेन दे वर श्योर, जब वे श्योर हो गया उनका दैट होल डाटा इज करेक्ट एंड नो डाटा हैज बीन लास्ट, कोई डाटा खोया नहीं है, सब कुछ सुरक्षित है, देन टेक्नीशियन कॉल द वर्कमैन एंड गेव देम द ममी ऑफ टूट एंड दे कैरीड टू बैक टू हिज टॉम, और उसको वापस कर दिया श्रमिकों को कि ले जा करके इसको टॉम में पहुँचाइए, और श्रमिक ले जा करके उसने उस मकबरे में पहुँचा दिया, उसकी मम्मी को उसी मकबरे में पहुँचा दिया। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड,
लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वार रूम फ्राम दी कफिन, जब ताबूत से केवल 3 घंटे में उसको ताबूत पहुंचा दिया गया, अर्थात ताबूत से लेकर के जब आए और उसकी सीटी स्कैन करने में लगभग 3 घंटे में उसको पुनः उसके स्थान पर पहुंचा दिया गया। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वार रिमूव फ्राम द कफिन फ्राम इज कफिन, जब कफिन से अर्थात काल ताबूत से उसको हटाया गया था तो 3 घंटे के अंदर जो है पुनः उसी स्थान पर टूटकी मम्मी को पहुँचा दिया गया। द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फनरी प्रेस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, उस फैरो को जो है उस शासक को उस जो है शासक को मिस्र के अगेन रेस्टेड इन पीस उसको वहीं पर लिटा दिया गया, अपने उसकी कब्र में लिटा दिया गया। वेयर द फनरी प्रेस्ट, जहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार करने वाले पंडितों ने जो है बहुत समय पहले लिटाया था, अर्थात जिस प्रकार से बहुत समय पहले वहाँ के जो उसका संस्कार करने वाले अंतिम संस्कार में पंडितों ने सुलाया था लिटाया था, उसी प्रकार से उसको ले जाकर के 3 घंटे बाद जो पुनः वहीं पर लिटा दिया गया आराम करने के लिए। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज अप टू टीन ए कंप्यूटर स्क्रीन। बैक इन द ट्रेलर और ट्रेलर में जो है ए टेक्नीशियन पुल्ड अप दी एस्टोनिशिंग इमेज अप टू टीन ए कंप्यूटर स्क्रीन, जो ट्रेलर पर जो है जो टेक्नीशियन काम कर रहे थे उस सीटी स्कैन मशीन पर उन्होंने जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है उनकी आश्चर्यजनक जो है फोटो बनाए फोटो देखा जो उसने कि कैसे फ़ोटो आए उसके इस सीटी स्कैन मशीन में जो है, तो उसने कंप्यूटर की सहायता से उसको चेक किया। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप दिस एस्टोनिशिंग इमेज, आश्चर्यजनक फोटो देखी उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है, अ ग्रे हेड टुक से फ्रॉम ए स्कैटिंग ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स को फोटो को जो स्केटिंग करने पर बिखेरने पर जो है एक भूरे कलर का टेढ़ा मेढ़ा सिर दिखाई पड़ा। ए ग्रे हेड टुक से फ्रॉम ए स्केटिंग ऑफ पिक्सल्स, जब उसके इमेज को स्केटिंग किया गया पिक्सल पर जो है तो मुझे एक भूरे कलर का उसका बड़ा सिर दिखाई पड़ा। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इन एवरी डायरेक्शन, और उसके सिर को जो घुमाया हर दिशा में घुमाया और टेढ़ा मुढ़ा किया, स्पन में घुमाया एंड टिल्टम टेढ़ा मेढ़ा किया इन एवरी डायरेक्शन, उसके फोटो को हर तरफ घुमा के चेक किया गया। नेक वर्टेब्रे, जो गले की कैसुरकी थी जो है जो गले कैसुर की मुख्य जो हड्डी होती है अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन द एनाटॉमी क्लास, जिस प्रकार से एनाटॉमी जो में क्लास में जो है उसकी जो कैसुरकी दिखाई पड़ती है उसी प्रकार से उसकी गर्दन की कैसुरकी भी दिखाई पड़ती थी। अदर इमेज रिवील्ड इन हैंड सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केस, और जो अन्य फोटो थे उसके जो है वो दिखाई पड़ते थे, उसका हाथ दिखाई पड़ते थे, अन्य जो है पसलियाँ दिखाई पड़ती थी, केस माने उसका जो केस था रिब केज होता है जिसमें अन्य पसलियाँ होती वो दिखाई पड़ती थी, एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और उसका जो है स्कल या पूरा बॉडी दिखाई पड़ता था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, और इस समय जो है दबाव खत्म हो चुका था, प्रेशर ऑफ हुआ, जो काफ़ी समय प्रेशर बना हुआ था कि कैसे हम स्कैन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ऐसा प्रेशर था। फॉर द नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, सभी जो टेक्नीशियन थे जो स्कैन करने वाले थे उन पर प्रेशर था वो समाप्त हो चुका था। सिटिंग बैट इन हिच चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठ करके जही हवास स्माइल, जही हवास मुस्कुराया था, जही हवास मुस्कुराए थे जो कि मुख्य थे स्कैनिंग मशीन के मुख्य थे, स्माइल मुस्कुराए थे। विजिबली रिलीव्ड द नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उन्होंने बताया कि कोई गलत जीत नहीं हुई है अर्थात वह सब अच्छी तरह संपन्न हो गया है। विजिबली रिलीव्ड, बहुत आराम महसूस किया दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कोई गलत चीज़ नहीं हुई है अर्थात सब अच्छे से संपन्न हो गया है सीटी स्कैन का कार्य, इसलिए जही अब्बास बहुत संतुष्ट थे, बहुत रिलीव में थे, बहुत आराम में थे। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात को सो नहीं सका था। जही अब्बास कोटेड दैट ही वाज अनेबल टू स्लीप लास्ट नाइट, वो पिछली रात से सो नहीं सके थे, नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड भी नहीं सो सके थे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई वाज सो वरीड, ही वाज सो वरीड, जही अब्बास वाज सो वरीड, इतने चिंतित थे कि वह पिछली रात को सो नहीं सके थे। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, एंड ही डिक्लेयर दैट ही इज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क एंड ही विल गो एंड ही विल स्लीप विद सेटिस्फेक्शन, वो जाकर के शांत से संतोष से सोएंगे, बिकॉज हिज वर्क हैज बीन डन बाई हिम
इनसक्सेसफुल हुए क्योंकि अच्छी प्रकार सफलता में जो है उनका कार्य संपन्न हो गया है, सीटी स्कैन का कार्य संपन्न हुआ है, इसलिए जाके जो है आराम से लेटेंगे सोएंगे। बाय द टाइम वी लिफ्ट द टेलर, लेखक कहता है जिस समय हम तो लोगों ने टेलर छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, और धातु की बनी हुई सीढ़ी से जो है नीचे सैंडी ग्राउंड पर उतरे, धूल वाली या मिट्टी वाली जमीन पर उतरे। द विंड हैड स्टार्ट, उस समय हवा रुक चुकी थी, हवा बंद हो गई थी। देखिए कितना अजीब लग रहा है इस समय जो है, जब मम्मी को स्कैन किया गया है कितना अजीब लग रहा है, टेलर बता रहा है लेखक जो है। बाय द टाइम वी लिफ्ट द टेलर, जब हम टेलर छोड़ा, टेलर से नीचे उतरे, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, और मेटल स्टेयर की सहायता से धातु से बनी हुई सीढ़ी की सहायता नीचे उतरे जमीन पर, मिट्टी वाली जमीन पर, धूल वाली जमीन नीचे उतरे। द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा बंद हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो ठंडी हवा चल रही थी ले कोल्ड, वो द विंटर एयर ले कोल्ड, जो ठंडी हवा जो है वो चल रही थी वो रुक गई थी, एंड स्टिल में शांत हो गई थी। लाइक डेथ स्टिल, जैसे आदमी मृत्यु में शांत हो जाता है उसी प्रकार से हवा रुक गई थी जो ठंडी हवा चल रही थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ऐसे मृत्यु की घाटी में, ऐसा मृत लोगों की घाटी में जहाँ पर अनेक ममी हैं, लोगों की डेड बॉडीज हैं, ऐसे मृत्यु की घाटी में जो है हवा ठंडी होकर रुक गई थी, शांत हो गई थी, हवा बिल्कुल चल नहीं रही थी। जस्ट एबव द इंटेंस टूट स्टॉर्म स्टूड ओरियन, और महसूस होता था कि टूट की जो है, टूट की जो उसकी कब्र के प्रवेश द्वार पर जो है ओरियन देवता खड़े हुए हैं, ऐसा एहसास हो रहा है। द कॉन्स्टेलेशंस दैट द अनसीन इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द किंग। फिर से देखिए, बाय द टाइम, उस समय जब हम टेलर्स को छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स और धातु की बनी हुई सीढ़ी से नीचे उतरे, टू द सैंडी ग्राउंड, मिट्टी से धूल से भरी हुई जमीन पर उतरे जो है। द विंड हैड स्टॉप्ड, उस समय हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, जो ठंडी हवा थी वो ठंडी के कारण हवा ठंडी हो चुकी थी, एंड स्टिल माने शांत हो चुकी थी, अर्थात हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल बंद हो गई थी। लाइक डेथ स्टिल, जैसे मृत्यु में लोग शांत हो जाते हैं, मृत्यु समान। हाँ, इन हिज दिस वैली ऑफ डिपार्टेड, ऐसे मरे हुए लोगों के मकबरे में जस्ट एबव द इंटेंस ऑफ टॉम स्टूडोरियन, और उसके प्रवेश द्वार पर, टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर मानो ओरियन देवता खड़े हों, और उन देवता कौन हैं, तारा द कॉन्स्टेलेशन दैट, ये तारामंडल के देवता थे, एंड अनसीन इजिप्शियंस न्यू, और जो प्राचीन समय के जो है मिस्रवासी थे उनको जानते थे, ये क्या जानते, तारामंडल के देवता, और कैसे थे देवता, एज सोल ऑफ ओसिरिस, ये ओसिरिस की आत्मा थी जो है, जो ओरियन देवता थे ये ओसिरिस देवता की आत्मा थे, और जिनको हम तारामंडल के देवता कहते थे मिस्र वाले, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, और जो मृत्यु के बाद के देवता हैं, स्वर्ग के देवता हैं, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, मानो वे उस लड़के की अर्थात राजकुमार टुट की रखवाली कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे टॉम के सामने, ऐसा एहसास हो रहा था उस समय। तो इस प्रकार से एलेशन समाप्त हुआ, और मिस्र की सभ्यता पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध सभ्यता मानी जाती थी, और उनकी जो ममी सुरक्षित रखी जाती थी मसाले को लगा करके, एक अभी अध्ययन का विषय बना हुआ है कि कौन सा मसाला लगाया जाता था जिससे ममी इतने 3300-3500 साल बाद भी जो है, लगभग 3500 साल बाद भी जो है उनकी डेड बॉडी भी सुरक्षित रखी गई, मसाला ऐसा मसाला जो है अभी खोजा जा रहा है, किस मसाले का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से लेसन तैयार हुआ, इस लेसन पूरा हो गया है, आप लोग अध्ययन करेंगे, मीनिंग तैयार करेंगे, और इसको जो है अध्ययन करेंगे।